सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को, ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सलूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज हम डायरेक्ट टैक्स के रेट देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सिंपल टैक्स मतलब इंडिविजुअल पे जो टैक्स लगते हैं उनके बारे में बताया था। आज हम सरचार्ज के बारे में जानेंगे, ठीक है। सरचार्ज जो इंडिविजुअल पे HUF एंड AOP BOI एंड आर्टिफिशियल, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो इन पे कितना टैक्स लगता है आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम अगर हमारी एक्सीड होती है 50 लाख से और 1 करोड़ से कम है तो 10% टैक्स, और अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 15% टैक्स, ठीक है। अब ये तो बात थी इंडिविजुअल्स की, अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ की। उन पे टैक्स लगता है द रेट ऑफ सरचार्ज शैल बी 12% ऑफ इनकम इफ़ एक्सीड्स 1 करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स की इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा जाती है तब 12% लगता है। सेम फर्म्स की इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा जाती है तब भी 12% लगता है। डोमेस्टिक कंपनी का थोड़ा सा चेंज है, अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है देन हमारी 7% इनकम लगती है पर टैक्स लगता है। अगर बट अगर हमारी प्रिंस टोटल इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़ से तब 12% लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट और फर्म्स का है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, बट डोमेस्टिक कंपनी का अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है, तब 12% लगता है। फॉरेन कंपनी का इससे भी अलग है, अगर हमारी कंपनी का 1 करोड़ से एक्सीड होता है बट 10 करोड़ से नहीं एक्सीड होता तब हमारे 2% होते हैं, बट अगर एक्सीड 10 करोड़ होता है और तो हमारे होता है 5% टैक्स, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड तो हमारा सरचार्ज लगेगा 12%। ये हमारे अलग अलग सरचार्ज पे अलग अलग टैक्स लगे हैं, इंडिविजुअल पे अलग, कॉर्पोरेट और फर्म्स का सेम, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज का अलग है, ठीक है। अब एक्सपेंशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी अर्न बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन टेक्निक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंसर्ट ऑफ सेक्शन 10(6)(a)(6)(g) एन इनकम अराइजिंग टू अ नॉन रेजिडेंट नॉन बींग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर इन और आउटसाइड इंडिया टू द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये हमने आज डिस्कस किया कि सर्चर्स क्या होते हैं और एग्जेम्पशन इन ऑफ इनकम क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए ये दो टैक्सेस सफिशेंट हैं, अगर हम सारे टैक्सेस के बारे में एक साथ में बात कर लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, दैट्स वाई हम स्लो स्लो थोड़े थोड़े टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में उनकी इनकम पे टैक्सेस का बताया था, आज हमने सरचार्ज और इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताया। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो टैक्स के बारे में कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।